नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और मैं आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस ब्रांड नई वीडियो में, जहां हम आज बात करने वाले हैं गैलेक्सी A53 5G के वेरियस टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एंड्रॉइड 12 पे बेस्ड ये One UI 4.1 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है इस मोबाइल में, इसलिए बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे और कोई आश्चर्य नहीं कि फीचर्स का लिस्ट जो है वो 99-100 तक पहुंच जाए और 40 से 50 मिनट तक ये वीडियो बन जाए। मगर ये गारंटीड है दोस्तों कि ये जो हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वेरियस फीचर्स हैं, बहुत ही शानदार होने वाले हैं। आपको अपने मोबाइल का यूज करने का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी बदल जाएगा इन टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स को जानने के बाद। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा ताकि आप सारे के सारे फीचर्स को अपने मोबाइल में यूज कर सकें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं सारे सब्सक्राइबर्स का, अपने दोस्तों का, भाइयों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आपने हमारे MTG फैमिली को 16,000 का फैमिली बना दिया है। दोस्तों बहुत दिल से धन्यवाद। अब हमारा अगला टारगेट जो है वो 25,000 का है, तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को भी इन्वाइट कीजिए, बताइए इस चैनल के बारे में ताकि वो सब्सक्राइब कर सकें, बेल बटन दबा सकें ताकि हम लोग अपने नेक्स्ट टारगेट 25,000 को अचीव कर लें। तो चलिए समय नहीं गवाते हैं और देखते हैं हमारा पहला टिप्स एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद One UI 4.1 और 12 का बहुत ही मजेदार फीचर को देखेंगे जो वॉलपेपर एंड स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा। आप जानते हैं दोस्तों यहाँ पर अपना आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं और जैसे ही वॉलपेपर आप चेंज करेंगे तो एक बहुत ही नया फीचर आपका इंतजार कर रहा होगा, वो है कलर पैलेट का। आप देखेंगे कलर पैलेट आपके सामने आ जाता है, आप देख सकते हैं ऊपर में कलर पैलेट आपका प्रीव्यू बताता है कि कैसे ये टॉगल्स में प्रीव्यू रहेगा, कैसे ये कॉलिंग ऐप में प्रीव्यू देगा, और नीचे में आपको एक्चुअल कलर्स का टेम्पलेट देखने को मिल जाता है जिसमें आप देख सकते हैं 4 रेक्टेंगुलर बार है और हर एक बार में 6-6 कलर आपको दिया गया है। तो आप कोई भी कलर चेंज सकते हैं दोस्तों, आप चाहे तो ऑरेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो पिंक कर सकते हैं, पर्पल कर सकते हैं या फिर लाइट पिंक कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपके ऊपर है। अगर आप ऑरेंज सेलेक्ट करना चाहें तो आप ऑरेंज सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑरेंज का जितना भी प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप पैलेट के कलर को ऐप आइकॉन में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बस इस ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना होगा, अप्लाई कर देना होगा, थोड़ा सा ये समय लेगा दोस्तों 5 सेकंड का। इसके बाद जैसे ही आप होम पेज में जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपका कलर पैलेट के अनुसार आइकॉन का कलर भी चेंज हो चुका है ऑरेंज में, और अगर आप नोटिफिकेशन को देखें, अगर आप टॉगल्स को देखें तो उसका भी कलर चेंज हो चुका है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं ब्राइटनेस बार का कलर चेंज हो चुका है और आप देख सकते हैं ब्राइटनेस बार भी One UI 4.1 में थोड़ा चौड़ा और मोटा हो गया है जो देखने में अच्छा लगता है, और नोटिफिकेशन को भी काफी बेहतर बनाया गया है दोस्तों, काफी कॉम्पैक्ट बनाया गया है ताकि कम से कम स्पेस में अधिक से अधिक नोटिफिकेशन आपको आपका मोबाइल दे सके। और दोस्तों यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, आपके पास गैलेक्सी का A23 है या 13 है या 53 है, 33 है, 73 है, कोई भी A सीरीज का जो लेटेस्ट मॉडल है दोस्तों, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स उनके लिए भी एप्लीकेबल होंगे क्योंकि उनमें भी आपको One UI का 4.1 वर्जन देखने को मिल जाता है जो कि Android 12 पे बेस्ड है। और यहाँ टॉगल्स में आप देख सकते हैं, अगर आप लास्ट में जाएंगे तो आपको 2 नए टॉगल्स देखने को मिल जाते हैं, माइक्रोफोन एक्सेस का और एक्स्ट्रा डिम का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद हम लोग डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको एज पैनल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसको काफी अच्छा इंप्रूव किया गया है आपके A53 में। बस इसको यहाँ से आपको इनेबल कर देना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हैंडल देखने को मिल जाता है। इसको आप कस्टमाइज कैसे करेंगे दोस्तों हैंडल को, तो आप एज पैनल के अंदर जाएंगे, पैनल में क्या रहेगा उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, टास्क रहेगा, एप्स रहेगा, स्मार्ट सिलेक्ट रहेगा, वेदर रहेगा, क्लिपबोर्ड रहेगा जो कि मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, आप चाहे तो पीपल कर सकते हैं, टूल्स कर सकते हैं, रिमाइंडर कर सकते हैं। इन सब से मन ना भरे तो गैलेक्सी स्टोर में बहुत तेरे आपको पैनल्स देखने को मिलते हैं दोस्तों, आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें पेड भी है, फ्री भी है, और एक बार जब आप डाउनलोड कर ले तो वापस आप अपने पैनल्स में आ जाएं। और पैनल्स के नीचे आप देख सकते हैं आपको हैंडल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जहां से आप इस हैंडल को कस्टमाइज कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको बड़ा कर सकते हैं, आप देखिए बड़ा छोटा भी यहां से हो सकता है, विड्थ को अगर मोटा करना चाहते हैं तो आप यहां से देखिए विड्थ को मोटा कर सकते हैं, पतला करना चाहे तो पतला कर सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर है। और ये एज पैनल काम कैसे करता है दोस्तों, तो बस आपको ऐसे ड्रैग कर देना है और देखिए एज पैनल आ जाता है, आप यहां से इसको स्क्रॉल करके सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल पैनल जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है अपने एज पैनल में। और यहां आप गौर कर रहे होंगे दोस्तों कि एज पैनल में बैकग्राउंड जो है वो ब्लर अब नहीं होता है, पहले ये ब्लर हुआ करता था, अब बिल्कुल बैकग्राउंड भी आप देख सकते हैं और एज पैनल को भी एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों एज पैनल का खूबसूरती तो आप जानते हैं, यहां से आप एप्स को खोल सकते हैं डायरेक्ट क्लिक करके, मगर इसका एक फायदा और है दोस्तों, सिर्फ यही नहीं है कि आप यहां से एप्स खोल सकते हैं, आप दूसरे ऐप को खोलना हो तो आपके पास बहुत बढ़िया ऑप्शन आपको मिल जाता है, बस दूसरे ऐप को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और आप देख सकते हैं ये पॉपअप व्यू में भी खुल सकता है या फिर आप इसको स्प्लिट स्क्रीन में भी खोल सकते हैं, ऊपर या नीचे जैसा भी करना चाहे, और देखिए स्प्लिट स्क्रीन में ही खुल जाता है। ये बीच का डिवाइडर बहुत कमाल का है दोस्तों, जैसे ही आप इस पर टच करेंगे आप देखेंगे आप स्वाइप कर सकते हैं, क्रोम नीचे आ जाएगा, यूट्यूब ऊपर चला जाएगा। एक और ऑप्शन आपने देखा था बीच के डिवाइडर में, ये सेव का साइन, जैसे ही सेव करेंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये देखिए सेव हो जाता है आपके एज पैनल में। अब नेक्स्ट टाइम आपको यूट्यूब और क्रोम का स्प्लिट स्क्रीन खोलना हो तो आपको अलग
मतलब खोलने की जरूरत नहीं है, बस आपको एज पैनल में जाना है और इस डिवाइडर को आप सिलेक्ट करके आप देखें तो आप चाहें तो कोई भी बड़ा कोई भी छोटा ऐप बना सकते हैं और बैकग्राउंड का कलर जो है ब्लर हो जाएगा जो कि बहुत शानदार दिखता है। तो आप चाहते हैं कि YouTube बड़ा हो जाए तो बस यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए, देखिए YouTube इतना में हो जाएगा और क्रोम इतना में हो जाएगा। और आप चाहते हैं YouTube पूरे स्क्रीन में आ जाए तो बस इसको लेके आप ऐसे कर दीजिए और देखिए पूरे स्क्रीन में YouTube आ जाता है और क्रोम चला जाएगा। वैसे दोस्तों स्प्लिट स्क्रीन में लाने का एक बहुत ही मजेदार तरीका और है, रिसेंस में आपको जाना है और जिस भी ऐप को आपको स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट करना है उसके इस आइकॉन पर टच करना है और ओपन स्प्लिट स्क्रीन व्यू कर देना है। तो देखिए ये आधा स्प्लिट स्क्रीन व्यू में ओपन हो जाता है और आधा कौन सा ओपन होगा दोस्तों, तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी ऐप आप सिलेक्ट करना चाहे यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सेटिंग सिलेक्ट कर लेता हूं तो देखिए सेटिंग्स यहां पर आ जाता है और दोस्तों आप देख रहे होंगे कि एक नया आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये ब्लू बार आपको मिल रहा है सेटिंग्स में और ग्रे बार आपको मिल रहा है यूट्यूब में। तो ये ब्लू बार और ग्रे बार क्या करता है दोस्तों, तो आप जैसे ही किसी भी बार को टच करेंगे, जैसे मैं सेटिंग्स के ब्लू बार को टच करता हूं तो आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है। पहला जैसे ही टच करेंगे तो ये आपका पॉपअप व्यू में खुल जाता है और बैकग्राउंड में जो यूट्यूब है वो फुल स्क्रीन में आ जाता है। पॉपअप व्यू का फायदा यह है दोस्तों कि ये बिल्कुल आपके स्क्रीन के टॉप पे रहेगा, बैकग्राउंड में आप कुछ भी करते रहिए ये बिल्कुल यहाँ बैठा रहेगा। इसको अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं दोस्तों तो इससे आप इसको पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप देख सकते हैं जितना बड़ा जितना छोटा करना है वो आप कर सकते हैं। इसको कहीं भी मूव करना हो स्क्रीन पे ऐसे पकड़ के आप कहीं भी स्क्रीन पे मूव कर सकते हैं। और पॉपअप व्यू में भी काफी इंप्रूवमेंट किया गया है दोस्तों आपके गैलेक्सी A53 में। अगर आप इस बार को टच करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, पहला को टच करेंगे तो ये बार इसी में डॉक हो जाता है, यानी अब ये हमेशा आपको दिखता रहेगा जब भी आपको मिनिमाइज करना है मैक्सिमाइज करना है क्लोज करना है। और अगर आप चाहते हैं पुराने स्टाइल के बार में लाना तो बस इस थ्री डॉट पर टच कीजिए, पहला ऑप्शन को टच कीजिए, देखिए वाकई गायब हो जाता है और ये ब्लू बार आ जाता है वापस। अब इसको मिनिमाइज करना है आपको तो बस यहां से टच करके इसको मिनिमाइज कर दीजिए, देखिए यहां छोटा आइकॉन बन जाता है और आप यहां पे जो मन चाहे वो कर सकते हैं। फिर आपको लगता है इसका जरूरत है टच कीजिए, देखिए यहां आ जाता है। क्लोज करना है तो इस पर करके आप यहां से क्लोज कर सकते हैं और यहां से क्लोज करने का मन नहीं है तो आप इसको पकड़ कर ड्रैग कीजिए, देखिए नीचे रिमूव आ जाता है, रिमूव पर टच कीजिए, देखिए क्लोज हो जाता है। अब दोस्तों स्प्लिट स्क्रीन में ही बहुत ही कमाल का फीचर आपको इसमें देखने को मिलता है। आप देख रहे हैं कि नीचे में आपको नेविगेशन बटन देखने को मिल रहा है बैक होम रिसेंट्स का, ऊपर में आप देख सकते हैं आपको स्टेटस बार देखने को मिल रहा है। तो अब आप इन दोनों को गायब कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, दोनों गायब हो जाएंगे। बस आपको सेटिंग्स के एडवांस फीचर्स में जाना है, इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे लैप्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपको फुल स्क्रीन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बस इसको आपको यहाँ से एनेबल कर देना और देखिए ऊपर का स्टेटस बार और नीचे का नेविगेशन बटन सारा गायब हो जाता है और स्प्लिट स्क्रीन जो है वो फुल स्क्रीन में हो जाता है। अब जब लैप्स की बात करें तो दोस्तों तो एक और फीचर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, मल्टी विंडो फॉर ऑल एप्स। इसका मतलब ये है कि जो भी ऐप पॉपअप व्यू या स्प्लिट स्क्रीन को सपोर्ट नहीं करता है तो इस ऑप्शन को जैसे ही आप इनेबल कर देंगे तो फोर्सफुली उसको स्प्लिट स्क्रीन व्यू या पॉपअप व्यू में आना ही होगा, चाहे वो ऐप सपोर्ट करे या ना करे। इसके लिए दोस्तों हम लोग एक ऐप खोल लेते हैं जो कि स्प्लिट स्क्रीन को सपोर्ट नहीं करता है, जैसे ये कम्युनिटी ऐप है। आप रिसेंट्स में जाएंगे, इसके आइकॉन में जाएंगे तो आप देखेंगे सिर्फ ऐप इन्फो और लॉक दिस ऐप का ऑप्शन मिलता है, ना आपको पॉपअप व्यू मिलता है ना आपको स्प्लिट स्क्रीन व्यू मिलता है। तो इसी के लिए लैप्स ऑप्शन में जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप लैप्स ऑप्शन देखते हैं, बस इसको आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। अब हम लोग वापस से रिसेंट्स में जाते हैं, इस ऐप में जाते हैं और देखिए यहाँ पर ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू भी आ जाता है, ओपन इन पॉपअप व्यू भी आ जाता है जो कि अभी तक नहीं आ रहा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ, हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद हम लोग डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें डार्क मोड 3.0 का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है जो कि बहुत ही शानदार काम करता है। सुपर एमोलेड स्क्रीन हो दोस्तों ए सीरीज में और डार्क मोड में मजा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। और आप देख सकते हैं कितना मक्खन की तरह डार्क मोड दिख रहा है आपको, कितना बढ़िया कलर में आ जाता है, डार्क बिल्कुल क्लियर है। डार्क मोड को आप कब से कब तक रखना चाहते हैं दोस्तों, उसको डार्क मोड सेटिंग में आप जाके कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग रिफ्रेश रेट में। आप जानते हैं गैलेक्सी A53 में आपको रिफ्रेश रेट मिल जाता है 120 हर्ट्ज का जो कि हाई रिप्रेजेंट करता है। स्टैंडर्ड अगर आप करेंगे तो ये 60 हर्ट्ज में हो जाएगा दोस्तों, जिसमें आपका जो स्क्रॉलिंग स्क्रीन है वो उतना मक्खन की तरह नहीं रहेगा जितना आपका हाई 120 हर्ट्ज में रहेगा। और ऑब्वियसली अगर आप 120 हर्ट्ज हाई रखेंगे तो आपका रिफ्रेश रेट ज्यादा होगा तो आपका बैटरी भी ज्यादा यूज होगा। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कब आपको रिफ्रेश रेट हाई रखना है कब स्टैंडर्ड रखना है ताकि आप बैटरी बचा सके बैक जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको आई कंफर्ट शील्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे आपका स्क्रीन जो है वो येलोइश हो जाता है, ब्लू कलर बिल्कुल गायब हो जाता है। और इसका फायदा ये होता है कि आपके आंखों को थोड़ा सुकून मिलता है, आपके आंखों पे बहुत स्ट्रेन नहीं होता है। और ये फायदेमंद तब है दोस्तों जब आप रीडिंग करते हैं, जब आप ज्यादा रीडिंग करते हैं अपने मोबाइल में ई बुक्स को या ज्यादा देर तक रात में अपने मोबाइल को देखते हैं तो आपको आई कंफर्ट शील्ड का जरूरत पड़ता है। और अगेन इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाता है एडेप्टिव का, कि ये ऑटोमेटिकली जो भी टाइम में आप आई कंफर्ट शील्ड को इनेबल कर रहे हैं तो उस टाइम के अनुसार ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट करता है आपके स्क्रीन को ताकि उस समय के अनुसार आपके आंखों को ज्यादा सुकून मिले। ये आप कस्टम चुन सकते हैं और यहाँ से कलर टेम्परेचर को बढ़ा घटा सकते हैं बिल्कुल अपने आंखों के अनुसार ताकि कम से कम स्ट्रेन आपकी आंखों को मिले। बैक जाएंगे और डिस्प्ले में ही आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन एप्स का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये करता क्या है दोस्तों, तो एक प्यारा सा नॉच आपको देखने को मिल जाता है अपने A53 में। इस प्यारा नॉच को अगर आप गायब करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कैमरा कटआउट में जाना होगा और जो भी ऐप है जैसे अमेज़न है इसमें जाना
करना होगा और हाइट कैमरा कटआउट कर देना होगा। अब आप जैसे ही अमेजन ऐप को खोलेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि जो नॉच है वो गायब हो जाता है और फुल स्क्रीन में ही आ जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि इसका बेजल आप देख सकते हैं ऊपर में काफी बड़ा देखने को मिलेगा। अब अगेन आपको लगता है कि नहीं, नॉच आपको अच्छा लगता है, आपको यूज करना चाहिए, तो अमेजन में जाएंगे, ऐप डिफॉल्ट कर देंगे या शो कैमरा कटआउट करेंगे। अब आप जैसे ही अमेजन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको फुल स्क्रीन में मिलता है नॉच के साथ। बैक जाएंगे और इसी में आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है नेविगेशन बार का। तो नेविगेशन बार करता क्या है दोस्तों, तो आपके फोन को बिल्कुल आईफोन की तरह बना देता है। आईफोन में आप जानते हैं ये बटन आपको देखने को नहीं मिलता है, आपको सिर्फ जेस्चर देखने को मिलता है। मगर उसके पहले अगर आप बटन यूज करते हैं और आप लेफ्ट हैंडर हैं, तो आप चाहेंगे ये जो बैक बटन है ये आपके हमेशा लेफ्ट में रहे, तो ये बटन ऑर्डर को यहां से आप स्वैप कर सकते हैं। आप इसको टच करेंगे तो आप देखेंगे बैक बटन जो है वो अब लेफ्ट में आ जाता है, होम बीच में ही रहता है और रिसेंट जो है राइट में आ जाता है। और इन बटन को गायब करना हो दोस्तों और इसमें एक नया फीचर क्या ऐड हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको स्वैप जेस्चर पर टच कर देना। और जैसे ही आप इसको टच करेंगे आप देखेंगे बटन गायब हो गया यहां से, और जेस्चर हिंट पर टच करेंगे तो आप देखेंगे एक लाइन यहां पर आ जाता है। और अब ये बिल्कुल आईफोन की तरह काम करने को रेडी है, बटन ये काम नहीं करेगा दोस्तों। तो होम स्क्रीन पे जाना है तो नीचे से ऊपर आप कर दीजिए, देखिए होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। बैक जाना हो तो किसी भी साइड से, लेफ्ट या राइट से, बस आपको अंदर की ओर करना है, देखिए ये बैक बटन आ जाता है और आप बैक चले जाते हैं। आप लेफ्ट से करना चाहें तो लेफ्ट से भी कर सकते हैं, देखिए यहां पर ये बैक बटन आ जाता है और लेफ्ट चले जाते हैं। रिसेंट्स में जाना हो तो नीचे से ऊपर स्वाइप करके आपको बीच में रुकना होगा, देखिए आप रिसेंट्स में आ जाते हैं। और दोस्तों रिसेंट्स में ही आप एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच करना चाहते हैं तो जेस्चर मोड में इस बार को बस आपको लेफ्ट से राइट स्वाइप करना है और आप देख सकते हैं एक ऐप से दूसरे ऐप में आप स्विच कर जाते हैं अपने रिसेंट्स में। अगेन दूसरे ऐप में जाना है, अगेन आप इसको ट्रैक करके ऊपर से नीचे ले आइए, वापस बैक जाएंगे और इसी में आप नीचे देखेंगे तो आपको एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोस्तों, जिसको आपको बिल्कुल से इनेबल कर देना चाहिए, ताकि फोन आपके पॉकेट में हो या कोई भी ऐसा जगह पे हो जहां अंधेरा हो, आपको दिख ना रहा हो, तो गलती से कोई भी बटन ऐसा ना दब जाए जिससे आपको किसी भी तरह का एम्बैरेसमेंट हो, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट हो जाए या किसी को कोई मैसेज चला जाए, कॉल चला जाए। और ठंड के समय में दोस्तों आप चाहते हैं टच सेंसिटिविटी ज्यादा रहे, ताकि आप ग्लव्स का यूज कर सके या फिर कोई ऐसा स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज कर रहे हैं जो कि काफी बढ़िया स्क्रीन प्रोटेक्टर है मगर टच सेंसिटिविटी ज्यादा मांगता है, तो इसको आप यहां से इनेबल कर दीजिए। अब आप ग्लव्स पहन के बहुत आसानी से टच कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे और अगेन हम लोग एडवांस फीचर्स में जाएंगे और यहां पर आप देखेंगे लैप्स को तो हम लोगों ने देख लिया था, मगर उसके साथ आपको बहुत बढ़िया ऑप्शन देखने को मिल जाता है साइड की का। तो साइड की कुछ नहीं दोस्तों, आपका ये पावर बटन है। इस पावर बटन को आप कैसे यूज करेंगे वो आपको यहां से कस्टमाइज करना है। डबल प्रेस में आप क्या करना चाहते हैं, आप कैमरा ऑन करना चाहते हैं, सैमसंग पे ऑन करना चाहते हैं, या फिर क्विक स्विच टू सिक्योर फोल्डर करना चाहते हैं जिसको एल्ट जी भी आपको कहा जाता है सैमसंग में, या फिर आप कोई ऐप को ओपन करना चाहते हैं, यहां से आप बिल्कुल कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने सिक्योर फोल्डर को किया हुआ है ताकि आगे सिक्योर फोल्डर में देखेंगे दोस्तों कैसा काम करता है। प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो क्या काम करेगा, बिक्सबी को आप इनवोक करना चाहते हैं या पावर ऑफ मेनू को चाहते हैं, जो कि आप यहां से भी ला सकते हैं पावर ऑफ, जिसको लाने में आपको काफी दो तीन स्टेप करना पड़ता है, तो सिंगल स्टेप यानी प्रेस एंड होल्ड से ही आप पावर ऑफ भी ला सकते हैं। बैक जाएंगे, इसके बाद आपको मोशन एंड जेस्चर देखने को मिल जाता है दोस्तों, जिसमें लिफ्ट टू वेक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ में जैसे ही आप फोन लेंगे तो आपका स्क्रीन ऑन हो जाए ताकि आप जो भी नोटिफिकेशन आया है उसको देख सकें, आपको बार बार अपने स्क्रीन को ऑन ना करना पड़े। ठीक उसी तरह से डबल टैप करके आप स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं, डबल टैप करके आप स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं, इस दोनों ऑप्शन को इनेबल करके। एग्जांपल के लिए आप डबल टैप करेंगे देखिए स्क्रीन लॉक हो जाएगा, डबल टैप करेंगे देखिए स्क्रीन ऑन हो जाएगा। इसके बाद बहुत ही कमाल का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है दोस्तों, कीप स्क्रीन ऑन व्हाइल व्यूइंग, यानी जब भी आप अपने मोबाइल को देखते रहेंगे तो भले ही टाइम आउट आपका जितना का भी हो, 30 सेकंड का हो, 1 मिनट का हो, स्क्रीन आपका ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये अपने कैमरा से आपके आंखों को देखता रहेगा कि आपकी आंख आपके मोबाइल को देख रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर कोई मैसेज आया हो या कोई मिस कॉल आया हो, फोन आपका रखा हुआ हो, जैसे ही आप हाथ में लेंगे तो ये वाइब्रेट करेगा ये बताने के लिए कि कोई मैसेज है, कोई कॉल है, आप उसको देखना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को आप इनेबल कर लीजिए। बैक जाएंगे, आप जानते हैं दोस्तों इसका स्क्रीन जो है काफी बड़ा है, एक अंगूठा से और एक हाथ में ये कंट्रोल में नहीं आता है, तो इसके लिए आपको 100 मोड का ऑप्शन दिया गया है, बस इसमें आपको जाना है, इनेबल कर लेना है और दो ऑप्शन आपको मिल जाता है जेस्चर का और बटन का। अगर आप जेस्चर सिलेक्ट करते हैं तो बस आपको होम स्क्रीन से नीचे ऐसे कर देना है, देखिए 100 मोड में ये आ जाता है। और 100 मोड में आप देख सकते हैं दोस्तों आपको यहां पर एक छोटा सा बार देखने को मिल जाता है टॉप में, उसको आप पकड़ के आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं ऊपर से नीचे, या देखिए यहां पर आ जाता है। ऑब्वियसली अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो ये आपके लिए काम करेगा, राइट हैंडेड है तो यहां पर आप एक एरो देख सकते हैं, इसको टच कर दीजिए, देखिए राइट में आ जाता है। अब देखिए आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बैक करना हो तो आप बैक कर सकते हैं अंगूठे से ही बिल्कुल, और जैसा भी आप काम कर रहे थे बस स्क्रीन आपका छोटा हो गया है, ताकि आपको काम करने में किसी भी तरह का परेशानी ना हो एक हाथ से खासकर। और आपको लगता है कि आपका काम हो गया, अब आपको 100 मोड से बाहर आना है, तो बस कहीं भी टच कर दीजिए, देखिए फुल स्क्रीन मोड में आप आ जाते हैं। और बटन मोड में आप करना चाहते हैं तो आपको बटन मोड सेलेक्ट कर लेना है, डबल टैप कर देना है होम बटन को, देखिए आप वापस से 100 मोड में आ जाते हैं। बैक जाएंगे, इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन शॉट्स एंड स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग या स्क्रीन शॉट ले रहे हैं तो टूल बार आप देखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली इसको आप यहां से इनेबल कर लेंगे। स्क्रीन शॉट लेने के बाद उस स्क्रीन शॉट में ये नेविगेशन बार और ये स्टेटस बार अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो
इसको आप हाइड कर सकते हैं इस ऑप्शन को इनेबल करके। अब स्क्रीन रिकॉर्डर में आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो साउंड है वो कौन होगा, कोई भी साउंड नहीं होगा, मीडिया साउंड होगा या इसके माइक का भी साउंड होगा, तो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो क्वालिटी आप फुल HD यानी हाई पे रख सकते हैं 1080p पे। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय अगर आप सेल्फी अपना रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो सेल्फी वीडियो का साइज यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय जब भी आप टच करें तो वो शो करे कि वो टैप है वो कहाँ पर टच हो रहा है, तो इस ऑप्शन को आप इनेबल कर देंगे तो वो भी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। बैक जाएंगे, इसके बाद नीचे आपको वीडियो कॉल इफेक्ट्स देखने को मिल जाता है। दोस्तों आप जानते हैं कि आजकल का जमाना जो है वो बिल्कुल वीडियो कॉल पे ही चलता है, तो बैकग्राउंड आप ब्लर करना चाहते हैं, बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाहते हैं या बैकग्राउंड में कोई इमेज देना चाहते हैं, वो सारा का सारा आप यहां से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो कॉल में आपका चेहरा दिखे और बैकग्राउंड ब्लू दिखे तो आप ब्लू सेलेक्ट कर लीजिए, पिंक, ग्रीन, पर्पल, जो भी आप चाहें यहां सेलेक्ट कर सकते हैं, या अपने मनपसंद का कलर आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि जो सामने वाला वीडियो कॉल में है वो देखे आपको हरी वादियों में, तो बिल्कुल बैकग्राउंड इमेज आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं और कोई भी बैकग्राउंड इमेज आप अपने गैलरी से सेलेक्ट कर लीजिए। और ऑब्वियस सी बात है वीडियो कॉल का इफेक्ट है तो वीडियो कॉल का जितना भी अवेलेबल ऐप है अभी आपके मोबाइल में वो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें ये ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा। बैक जाएंगे, अब दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें आपको 5 नैनोमीटर का इतना पावरफुल चिपसेट दिया गया है तो गेमिंग करना तो बनता ही है, तो गेमिंग लॉन्चर को आप यहां से इनेबल कर देंगे, जिसका फायदा ये होगा कि जितने भी गेम्स आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है दोस्तों वो सारा ऑर्गेनाइज हो जाएगा एक जगह पे, और जब भी आप वहां से गेम को ओपन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स ये मोबाइल आपको उसमें देगा, ताकि आपका जो गेमिंग का एक्सपीरियंस हो बहुत ही शानदार हो, लैग फ्री हो, मक्खन की तरह हो। तो गेम लॉन्चर हम लोग कहां देखेंगे दोस्तों, तो हम लोग एप्स में जाएंगे, लेफ्ट स्क्रॉल करेंगे गेम लॉन्चर में। अब गेम लॉन्चर में जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे जितने भी एप्स आपने इंस्टॉल किए हुए इस मोबाइल में वो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। और यहां पर फायदे का चीज है दोस्तों कि जैसे ही आप मोर में जाएंगे, गेम बूस्टर में जाएंगे, और यहां पर आप जैसे ही नीचे आएंगे आप देखेंगे आपको एक नया ऑप्शन लैब्स का देखने को मिल जाता है, जिसमें अल्टरनेट गेम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक आपको टॉगल है, जिसको आपको 100% इनेबल कर देना है, और इससे आपका गेमिंग का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बढ़िया हो जाएगा दोस्तों। और बताने की जरूरत नहीं है, जब गेमिंग अच्छा होगा तो ऑब्वियसली फोन थोड़ा सा हीट होगा, थोड़ा गर्म होगा, मगर आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कूलिंग सिस्टम बहुत ही शानदार दिया गया है, तो वो ठंडा भी करेगा और आपको गेमिंग भी अच्छा से कराएगा। अब गेम लॉन्चर के नीचे ही आप देख सकते हैं आपको डुअल मैसेंजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोस्तों, जिसमें ऑब्वियसली आपके जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं वो सारे ऑटोमेटिकली यहां पर लिस्टेड देखने को मिलेंगे। तो यहां पर एग्जांपल के लिए व्हाट्सएप को आप डुअल मैसेंजर में इनेबल करना चाहते हैं तो यहां से आपको इसको इंस्टॉल कर देना होगा, और देखिए सेकंड कॉपी ऑफ व्हाट्सएप जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, जो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको ऑरेंज कलर का एक आइकॉन भी बन जाता है जो बताता है कि ये सेकंड कॉपी ऑफ व्हाट्सएप है, फर्स्ट कॉपी तो ऑब्वियसली इसमें इंस्टॉल्ड है। उसको देखना हो तो कहां से देखेंगे दोस्तों, तो ऑब्वियसली आप एप्स में जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे व्हाट्सएप में, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट कॉपी ऑफ व्हाट्सएप है, ये सेकंड कॉपी ऑफ व्हाट्सएप है। फर्स्ट कॉपी आप देख सकते हैं खोलते हैं खुल जाता है, सेकंड कॉपी जैसे ही आप खोलेंगे तो ये आपको बोलेगा सेटअप करने का, और यहां पर आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर का दो रिंग बन जाता है आइकॉन के रूप में, ताकि ये बताता है कि ये सेकंड कॉपी ऑफ व्हाट्सएप है डुअल मैसेंजर का। फायदा समझाने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि व्हाट्सएप में आप एक अकाउंट से एक मोबाइल में एक ही ऐप को रख सकते हैं, मगर डुअल मैसेंजर का फायदा ये हो जाता है कि आप दूसरे अकाउंट से दूसरे व्हाट्सएप को भी आप सेम मोबाइल में एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो मोबाइल रखने की जरूरत नहीं है दो व्हाट्सएप के लिए, सिंगल मोबाइल में ही दो व्हाट्सएप चलाइए दोनों डिफरेंट अकाउंट से। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ, तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद बैटरी एंड डिवाइस केयर में जाएंगे, और यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको बिल्कुल ही चेंज डिवाइस केयर देखने को मिलता है, जिसमें आपको अब नंबर नहीं मिलेगा, इसमें आपको अब कोई भी स्टेटस बार देखने को नहीं मिलेगा, एक इमोजी मिलेगा जो हंसता रहेगा या नॉर्मल रहेगा, जो बताएगा ग्रेट आपका है, गुड है, जो भी आपका डिवाइस का करंट स्टेटस है वो यहां पर आपको दिखाएगा। और ऑब्वियसली इसमें आपको बैटरी मिलेगा, बैटरी में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा मोर बैटरी सेटिंग्स में, जिसमें आप प्रोटेक्ट बैटरी कर सकते हैं, यानी 85% तक चार्ज होने के बाद ऑटोमेटिकली बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगा, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका बैटरी का लाइफ जो है वो बढ़ जाएगा और आपका बैटरी बैकअप भी 1 दिन से 1.5 दिन का हो जाएगा। मैंने बिल्कुल टेस्ट किया हुआ है, 7 दिन कम से कम आपको प्रोटेक्ट बैटरी मोड में आपको चार्ज करना है, और रात में आपको चार्ज करने का मन करता है दोस्तों, आदत है, तो आप 100% चार्ज करते हैं फिर ओवर हीट होता रहता है, तो वो प्रॉब्लम से भी ये आपको सॉल्यूशन दे देगा। और यहां पर आप बैटरी परसेंटेज देखना चाहते हैं तो शो बैटरी परसेंटेज इनेबल कर देंगे, देखिए 40% यहां पे दिखा देता है। बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे, और इसमें आपको मेमोरी में रैम प्लस मिल जाता है दोस्तों, जिसको एक्सटेंडेड रैम भी आप बोल सकते हैं। तो जैसा भी आपका मोबाइल है उसके अनुसार रैम प्लस में आपको रैम देखने को मिलेगा, 2GB, 4GB, 6GB, 8GB, अगर आपके पास 8GB का वेरिएंट है तो 8GB भी आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप स्विच करेंगे ज्यादा में, तो ऑब्वियसली 4GB से 6GB स्विच होने में आपको एक बार रीस्टार्ट करना होगा फोन को, ताकि आपका रैम जो है एक्सटेंड हो जाए 6GB तक। बैक जाएंगे, और यहां पर आप देख सकते हैं 1.8GB अभी फ्री है, आप 1GB तक क्लीन कर सकते हैं। तो जब भी आप यहां पर आए दोस्तों तो एक बार क्लीन तो कर ही दीजिए, ताकि आपका मोबाइल ज्यादा ज्यादा फास्ट हो सके। और आप देख सकते हैं अब 2.2GB अवेलेबल हो जाता है। बैक जाएंगे, अब डिवाइस केयर में ही ये 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे, स्टोरेज बूस्टर में जाएंगे, और यहां पर आप देख सकते हैं कि आप अपने स्टोरेज को फ्री अप कर सकते हैं। अभी आप 3.6GB तक बढ़ा सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, आप जानते हैं 3.6GB कितना स्पेस होता है। मगर उससे भी ज्यादा फायदेमंद का चीज आपको नीचे देखने को मिलता है, ऑटो डिलीट अननेसेसरी
डेटा जिसको आपको 100% इनेबल करके रखना चाहिए ताकि कोई भी अननेसेसरी डेटा आपके मोबाइल में हो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। और ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली डिलीट हो रहा है तो वो आपके काम का बिल्कुल भी नहीं होता है, जैसे वो कैश फाइल हो गया या फिर कोई ऐड हो गया जो शेड्यूल टाइम पर रन करने वाला है, तो बढ़िया ही है दोस्तों वो डिलीट ही हो जाए। बैक जाएंगे और अब डिवाइस केयर में ही आप देख सकते हैं आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो पहले आपको सेटिंग्स में नीचे देखने को मिलता था, तो यहां से आप इजीली अब सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं और डायग्नोस्टिक भी आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों जो कि सैमसंग मेंबर्स ऐप खोल देता है। और इसका फायदा क्या है दोस्तों, तो आप डायग्नोस्टिक कर सकते हैं इसके हार्डवेयर को, आप देख सकते हैं 24 टेस्ट है जो आप यहां पर कर सकते हैं इंडिविजुअली या टेस्ट ऑल करके सारा का सारा एक साथ भी रन कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका 24 हार्डवेयर जो है वो कैसा काम कर रहा है, ठीक काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है। ऑब्वियसली अभी आपका फोन वारंटी में नहीं काम कर रहा है तो सर्विस सेंटर में जाकर पटक दीजिए फोन को, नया फोन ले लीजिए। वैसे दोस्तों मैं सबको रेकमेंड करता हूं कि डिवाइस केयर का एक बहुत ही अच्छा विजेट आता है उसको जरूर से आपको अपने होम स्क्रीन पर रखना चाहिए। तो आप होम स्क्रीन में जाएंगे, लॉन्ग टैप करके रखेंगे, विजेट्स में जाएंगे और यहां पर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे डिवाइस केयर का आपको विजेट देखने को मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया विजेट है। बस इसको आपको लॉन्ग टैप करके रखना है और जहां भी रखना है वहां जाके छोड़ देना है और इसको रिसाइज करना है तो आप यहां से रिसाइज कर सकते हैं। बस आप सिंगल टैप कीजिए और देखिए ये आपका काम कर देता है। स्टोरेज मेमोरी आपको बिल्कुल सामने में दिखाता रहता है और जब भी आप इसको ऑप्टिमाइज करेंगे ये ऑप्टिमाइज कर देगा और ये आपको बताएगा भी योर फोन हैज बीन ऑप्टिमाइज्ड। और हम लोग विजेट्स का बात कर ही रहे हैं दोस्तों तो देख लेते हैं इसमें आपको विजेट्स कैसा देखने को मिलता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही हम विजेट्स में जाते हैं तो अब आपको हॉरिजॉन्टली विजेट देखने को नहीं मिलता है बड़ा बड़ा सा, अब आपको वर्टिकली विजेट देखने को मिल रहा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। बस टैप करके ड्रॉप डाउन में ये खुल जाता है और इसको बहुत आसानी से आप ऐड कर सकते हैं। एक विजेट तो मैंने ऐड करके दिखाया दोस्तों लॉन्ग टैप करके। दूसरा तरीका क्या है, तो आप कोई भी विजेट जो आप ऐड करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे ये सैमसंग इंटरनेट है इसको मैं ऐड करना चाहता हूं तो बस इसको आपको टच करना है, ऐड करना है और देखिए ऑटोमेटिकली यहां पर ऐड हो जाता है। और अगेन आपको इसको रिसाइज करना है तो लॉन्ग टैप करके रखिए, देखिए यहां से रिसाइज कर सकते हैं। और इसको एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन ले जाना है तो अगेन इसको लॉन्ग टैप करके रखिए और देखिए आप इस तरह से नेविगेट करके आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में इसको ले जा सकते हैं। तो विजेट्स में भी काफी रेवोल्यूशनरी चेंजेस किए गए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कैलेंडर का एक नया विजेट आपको देखने को मिल जाता है, क्लॉक का आपको नया विजेट देखने को मिल जाता है जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पे पीछे देख रहे थे। ये क्लॉक का नया विजेट है, आप देख सकते हैं बैंगलोर में रात है तो ये डार्क थीम ऑटोमेटिकली चला जाता है और चांद तारा रात में आ जाता है दिखने के लिए ताकि ये रात है। और यहाँ न्यूयॉर्क में आप देख सकते हैं अभी दोपहर है, दोपहर के 3 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, तो देखिए यहाँ पे सूरज चमचमाता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। तो ये डुअल क्लॉक का विजेट काफी बढ़िया काम करता है दोस्तों, देखने में भी अच्छा लगता है, आप चाहें तो इसको हमेशा अपने स्क्रीन पर रख सकते हैं। आप देख सकते हैं सैमसंग इंटरनेट और गूगल इंटरनेट का भी आपको नया नया विजेट देखने को मिल जाता है जिसमें अंतर आप साफ देख सकते हैं। गूगल में आप इमेज सर्च कर सकते हैं मगर सैमसंग में अभी इमेज सर्च का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। और कैलेंडर विजेट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैलेंडर विजेट आपको मिल जाता है एक महीने का सारा यहाँ पर आप देख सकते हैं। आज का जो इवेंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई इवेंट ऐड करना चाहते हैं तो जैसे ही आप टच कीजिएगा तो ऐसे ही आपको डायरेक्टली इवेंट आपको ऐड करने को दे देगा, आपको कहीं भी जाकर ऐड वैड करने का लफड़ा नहीं है, बस आपको यहाँ पर कोई भी इवेंट जो है वो दे देना है। जैसे मैंने गो लाइव दे दिया है, सेव कर दिया है, अब जैसे ही विजेट्स में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर गो लाइव आ जाएगा। और विजेट्स में एक बहुत कमाल का ऑप्शन ये भी है दोस्तों, जैसे आप विजेट्स में जाएंगे 3 लाइंस के मेनू में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिसाइकल बिन भी देखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी इवेंट गलती से डिलीट हो गया हो या आपने डिलीट किया हो आपको याद ना हो तो रिसाइकल बिन में आप जाकर देख सकते हैं, गलती से डिलीट हुआ है तो उसको वापस रीस्टोर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सैमसंग का फोन रेगुलरली यूज करते हैं या फिर ये आपका पहला भी फोन है तो नीचे से ऊपर आप नॉर्मली स्वाइप करते हैं ताकि आप कोई ऐप स्क्रीन को खोल सके या फिर जेस्चर में आप होम स्क्रीन पे जा सके, मगर ये क्या यहाँ पर सैमसंग पे खुल जाता है, कहाँ से खुलता है पता नहीं क्योंकि सैमसंग पे तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। फिर से करते हैं और देखते हैं सैमसंग पे फिर से खुल जाता है। तो ये ऐसा इसलिए खुल रहा है दोस्तों क्योंकि नीचे में आप देख सकते हैं ये एक बार है जो ऑटोमेटिकली सैमसंग पे को इन्वोक कर देता है। इसको आप हटाना चाहते हैं मगर कहीं ऑप्शन ही नहीं मिलता है कि हटाए कैसे, तो बिल्कुल बताते हैं दोस्तों ऑप्शन हटाने का। 3 लाइंस के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर आपने आइकॉन के बगल में सेटिंग्स का गियर देखेंगे, इसमें जाएंगे, क्विक एक्सेस एंड डिफॉल्ट कार्ड में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन में, होम स्क्रीन में, स्क्रीन ऑफ में, सबसे इसको डिसेबल कर दीजिए। और अब होम स्क्रीन में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि सैमसंग पे का जो बार है वो गायब हो चुका है। अब नीचे से ऊपर अगर आप करेंगे तो आपका ऐप स्क्रीन ही खुलेगा, सैमसंग पे कभी भी नहीं खुलेगा। और सैमसंग गैलेक्सी में बहुत ही कमाल का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, आप जानते हैं कि नहीं पता नहीं, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं, किसी भी ऐप पे आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और अगर आप मल्टीपल ऐप को मूव करना चाहते हैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में तो एक एक करके आप नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पर मल्टीपल सेलेक्ट कर लेंगे, समझिए पांचों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, किसी भी ऐप पे लॉन्ग टैप करके रखेंगे देखिए ये पांचों यहाँ पे चिपक जाता है इसके साथ और इसको कहीं भी आप मूव कर सकते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएंगे और ले जाके इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, देखिए ऑटोमेटिकली सारा यहाँ पर आ जाता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं बहुत ही मजेदार हिडन सेटिंग्स की तरफ, तो हम लोग कैमरा ऐप को ओपन करेंगे और जैसे ही आप ओपन करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में कैमरा और माइक्रोफोन दोनों का आइकॉन देखने को मिला था, तो वो कहाँ गायब हो गया दोस्तों, और वो गायब होकर आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन डॉट बना देता है। तो ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे, फिर से स्वाइप करेंगे तो देखेंगे आपको यहाँ पर कैमरा आइकॉन और माइक्रोफोन आइकॉन का ग्रीन बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है। तो इस पर जैसे ही आप टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि कैमरा आइकॉन जो है वो कैमरा के द्वारा यूज हो रहा है और माइक्रोफोन आइकॉन यानी माइक्रोफोन एक्सेस जो है वो सैमसंग एपेक्स सर्विस के द्वारा यूज हो रहा है।
अब आपको पता चलता रहेगा दोस्तों कि अगर आपका कैमरा यूज हो रहा है तो कौन सा ऐप उसको यूज कर रहा है और उसको आपको परमिशन देना है या नहीं देना है, और माइक्रोफोन भी अगर आपका यूज हो रहा है तो कौन सा ऐप यूज कर रहा है उसको भी आपको परमिशन देना है या नहीं देना है। और अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको टॉगल्स में दिखाया था तो ये वही ऑप्शन था दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोफोन एक्सेस, यहाँ से अगर आप इसको टर्न ऑफ कर दिए तो ये आपको पूछेगा टर्न ऑफ करने का। और अब अगर आप ऊपर से नीचे स्वाइप कीजिएगा तो आप देखेंगे सिर्फ कैमरा आइकॉन आपको दिख रहा है, माइक्रोफोन आइकॉन नहीं दिख रहा है क्योंकि उसका एक्सेस आपने ऑफ कर दिया है, कोई भी ऐप आपके माइक्रोफोन को यूज नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इस फीचर को प्राइवेसी फीचर कहा गया है, इसका मतलब यह है कि कैमरा और माइक्रोफोन इतना सेंसिटिव परमिशन है कि आपको हमेशा पता रहना चाहिए उसको कौन यूज कर रहा है। और प्राइवेसी परमिशन के साथ साथ आपको प्राइवेसी डैशबोर्ड भी इसमें दिया गया है, इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे प्राइवेसी में और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेसी डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है जिसमें तीन बहुत ही बड़ा सेंसिटिव परमिशन, कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन आप बिल्कुल सामने में देख सकते हैं। ऑल परमिशन देखना हो तो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं, जहाँ सारा का सारा परमिशन एक जगह लिस्टेड है और वो बताता है कि लास्ट 24 आवर्स में इस परमिशन को किस किस ऐप ने यूज किया है। जैसे कैमरा परमिशन को कैमरा ने यूज किया है, फोन परमिशन को आप देख सकते हैं फेसबुक, स्पीड टेस्ट, ओएलएक्स, गूगल, स्नैपचैट सभी ने यूज किया है। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है आपके पास दोस्तों, एक एक ऐप का आप खबर रख सकते हैं कि कौन कौन सा परमिशन वो यूज करता है, और नहीं अगर आपको यूज कराना है तो डिनाई कर दीजिए। इनफैक्ट सिर्फ 24 घंटा क्यों, आप चाहे तो आप 7 दिन का देख सकते हैं कि किस किस ऐप ने किस किस परमिशन को यूज किया है यहाँ पर। और परमिशन वाइज अगर आप नहीं देखना चाहते हैं, एप्स वाइज देखना चाहते हैं कि किस किस ऐप ने कितने परमिशन को यूज किया है तो सारा आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे फेसबुक आप देख सकते हैं फोन और कॉन्टैक्ट को यूज किया है, आप चाहते हैं कॉन्टैक्ट यूज ना करे तो कॉन्टैक्ट में जाइए और यहाँ डोंट अलाउ कर दीजिए, बैक जाइए, अब ये कॉन्टैक्ट यूज नहीं कर पाएगा। और ऐप वाइज भी आप चाहे तो 7 डेज और 24 आवर्स के बेसिस पे देख सकते हैं। और इसी में आप देख सकते हैं नीचे में माइक्रोफोन एक्सेस को आप यहाँ से भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं जो आप टॉगल से कर रहे थे। और दोस्तों इसमें एक बहुत ही कमाल का फीचर आपको देखने को मिलता है, अलर्ट व्हेन क्लिपबोर्ड एक्सेस। आजकल ओटीपी आता है दोस्तों तो वो क्लिपबोर्ड में चला जाता है क्योंकि आप कॉपी करते हैं, तो उस क्लिपबोर्ड को कौन कौन यूज कर रहा है, कहीं ओटीपी कोई गलत ऐप यूज ना कर ले। तो जैसे ही आपका क्लिपबोर्ड एक्सेस करता है कोई भी ऐप तो ये आपको बताता है कैसे। एग्जांपल के लिए दोस्तों व्हाट्सएप में सपोज आप कुछ पेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप क्लिपबोर्ड से पेस्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पेस्टेड फ्रॉम योर क्लिपबोर्ड। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ, तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक बिल्कुल ही नया ऑप्शन देखने को मिलता है सेफ्टी एंड इमरजेंसी का। पहले के वर्जन में सेफ्टी इमरजेंसी अलग अलग जगह पे हुआ करता था और अंदर हुआ करता था, डायरेक्ट सेटिंग्स में आपको देखने को नहीं मिलता था, मगर बाद में एंड्रॉइड को लगा कि नहीं सेफ्टी इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए अब इसको बिल्कुल प्राइमरी फीचर के रूप में दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले आप मेडिकल इन्फो यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसका फायदा बिल्कुल सिंपल है, इमरजेंसी सिचुएशंस में मेडिकल इन्फो एक्सेस होना बहुत जरूरी है ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो भी ट्रीटमेंट बेस्ट दिया जा सके। और ये मेडिकल इन्फो अगर आपका फोन लॉक्ड है तो भी देखा जा सकता है, जो इसका सबसे बड़ा फायदा है क्योंकि ऑब्वियसली इमरजेंसी सिचुएशन में आपका फोन तो लॉक ही होगा। इसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आप यहाँ पर जाके एडिट या फिर आप ऐड कर सकते हैं ताकि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को कॉल किया जा सके जब भी आपका फोन लॉक हो, आपका लोकेशन जो है वो उसको भेजा जा सके या फिर कोई इमरजेंसी मैसेज आपको भेजा जा सके ताकि पता चले कि आप इमरजेंसी में हैं, आपको जल्दी किसी मदद की जरूरत है। इसी तरह से इसमें आपको इमरजेंसी मोड भी देखने को मिल जाता है दोस्तों, जिसको आपको यहां से इनेबल कर देना है, चेकबॉक्स को ऑन कर देना है, अग्री कर लेना है। और इमरजेंसी मोड ऑन होने का मतलब ही है दोस्तों कि आपका एक इमरजेंसी सिचुएशन है इसलिए बैटरी ज्यादा से ज्यादा बचाना जरूरी हो जाता है, इसलिए आपका फोन ऑटोमेटिकली डार्क मोड में चला जाता है। और इमरजेंसी मोड में आप सिर्फ मैसेज, कॉन्टैक्ट और इमरजेंसी कॉल को ही यूज कर सकेंगे, बाकी किसी भी ऐप या फंक्शन को आप यूज नहीं कर सकते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। बैक जाएंगे और आप देखेंगे कि पैनिक मोड आपको देखने को मिल जाता है, यानी SOS मोड है। पावर बटन को क्विकली 3 बार आप जब प्रेस करेंगे दोस्तों तो ऑटोमेटिकली आप पैनिक मोड या SOS मोड में आ जाएंगे, जिसमें आप SOS मैसेज भेज सकते हैं अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को, अपना लोकेशन भेज सकते हैं ताकि आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को पता चल सके कि आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन है और फिर वो आपको मदद के लिए हेल्प कर आ सके। बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे और सेफ्टी एंड इमरजेंसी के ऊपर आप देख सकते हैं आपको लोकेशन का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। आपके गैलेक्सी फोन में लोकेशन को भी काफी अच्छे से इम्प्रूव किया गया है, जिसका सबूत अभी आपको देखने को मिलेगा। इसको समझने के लिए कोई भी एक ऐसा ऐप खोल लेते हैं दोस्तों जिसमें लोकेशन की जरूरत होता है। एग्जांपल के लिए मैं मैप ऐप खोल लेता हूं, मैप्स में तो लोकेशन का यूज होना ही होना है। और जैसे ही इस ऐप को आप ओपन करेंगे, इस आइकॉन पर टच करेंगे तो आप देखेंगे कि अब आपसे जो परमिशन मांगता है लोकेशन का, वो 2 तरह का परमिशन आपसे मांगता है, एक प्रिसाइज वे में, एक अप्रोक्सीमेट मोड में। अगर आप प्रिसाइज का परमिशन देंगे दोस्तों तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको मिल जाएगा उस ऐप को जहां पर अभी आप हैं, मगर आप चाहते हैं एग्जैक्ट लोकेशन ना देना तो आप अप्रोक्सीमेट लोकेशन में सेलेक्ट कर देंगे तो अप्रॉक्स लोकेशन देगा, जो पता चलेगा कि आप इस रेडियस में हैं, एग्जैक्ट कहां पर हैं वो नहीं पता चलेगा। व्हाइल यूजिंग द ऐप कर देते हैं और आप देख सकते हैं कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन ये नहीं समझ पा रहा है, ये बस समझ रहा है इस घेरा में आप कहीं पर हैं, मगर बाद में आपको लगता है कि नहीं हमको एग्जैक्ट परमिशन दे देना चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट परमिशन का जरूरत है। तो अगेन आप उस ऐप में जाएंगे, लॉन्ग टैप करके रखेंगे, आई में जाएंगे, परमिशंस में जाएंगे, लोकेशन में जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं यूज प्रिसाइज लोकेशन ऑब्वियसली ऑफ होगा क्योंकि आपने अप्रोक्सीमेट दिया था। अब आप इसको यहां से ऑन कर देंगे, ऑन कर देंगे तो अब ये प्रिसाइज लोकेशन उसको मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग्स की तरफ, तो आप जानते हैं कि आपका ये गैलेक्सी A सीरीज का फोन हमेशा से प्रीमियम फोन माना
माना जाता है, चाहे वो A53 हो, 33 हो, 73 हो। तो अब आप बहुत आसानी से अपने गैलेक्सी स्टोर में जा सकते हैं और गुडलॉक ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। गुडलॉक एक बड़ा टॉपिक है दोस्तों, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मगर अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ गुडलॉक ऐप आप सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं, आपका ये फोन गुडलॉक ऐप को सपोर्ट करता है। वापस से सेटिंग्स में जाएंगे और चलते हैं एक नए हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग साउंड एंड वाइब्रेशन में जाएंगे, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं वाइब्रेशन का इंटेंसिटी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। और जैसे ही आप बढ़ाएंगे घटाएंगे आपको ये वाइब्रेट करके बताएगा भी कि कैसा वाइब्रेशन इंटेंसिटी है, और आपको जो भी सुटेबल लगता है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। बैक जाइए, नीचे में आपको साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट देखने को मिल जाता है, इसके अंदर आप जाएंगे और ये फोन आपको डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है, इसको यहाँ से इनेबल कर दीजिए। और डॉल्बी एटमॉस में आप देख सकते हैं आपके पास ऑटो मोड है, मूवी मोड है, म्यूजिक मोड है, वॉइस मोड है, मगर मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार म्यूजिक मोड में डॉल्बी एटमॉस बहुत ही बढ़िया साउंड देता है, इसलिए मैं हमेशा म्यूजिक मोड ही रखता हूँ। बैक जाएंगे और डॉल्बी एटमॉस फॉर गेमिंग का भी ऑप्शन आपको इस मोबाइल में देखने को मिल जाता है, जिसको आपको 100% इनेबल करके रखना चाहिए ताकि जब भी आप गेमिंग करें तो जो साउंड आए वो बहुत ही बढ़िया आए और आपको गेमिंग के एक्सपीरियंस को बहुत ही शानदार बनाए। इसके नीचे इक्वलाइजर आपको देखने को मिल जाता है, आप चाहे तो कोई भी प्रीसेट सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे पॉप हो, क्लासिक हो, जैज हो, रॉक हो, या कस्टम भी आप कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं अपने अनुसार जो भी आपको साउंड का इंटेंसिटी अच्छा लगता हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग नोटिफिकेशंस में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल आप ब्रीफ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिटेल भी कर सकते हैं। ब्रीफ करेंगे तो एक लाइन में आएगा दोस्तों, डिटेल करेंगे तो उससे बड़ा में आएगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों ब्रीफ नोटिफिकेशन इस तरह का आता है एक लाइन में, और अब हम लोग डिटेल सिलेक्ट कर लेते हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल डिटेल में आता है, जिसमें आपको रिप्लाई भी आता है, मार्क एज रीड भी आता है, तो इस तरह का आपको आएगा। ब्रीफ का फायदा यह है दोस्तों कि ब्रीफ में आप एज लाइटिंग स्टाइल को भी रख सकते हैं, जो कि डिटेल में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो एज लाइटिंग को अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ सेटिंग्स में जाना होगा, एज लाइटिंग स्टाइल में जाना होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इफेक्ट्स आपको मिल जाता है तरह तरह का। ये आपका फायरवर्क्स का इफेक्ट है, ये आपका हार्ट्स का इफेक्ट है, ये आपका सर्कल का इफेक्ट है, ये इक्लिप्स का इफेक्ट है, ये इको है, ये स्पॉटलाइट है। इनफैक्ट आप चाहें तो इस इफेक्ट के कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पिंक कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, ऑरेंज कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। और एडवांस में जाकर आप इसका ट्रांसपेरेंसी और ड्यूरेशन को भी बढ़ा घटा सकते हैं। बैक जाएंगे और नोटिफिकेशन में ही आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको एडवांस सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें जो आपका पहला है वो शो नोटिफिकेशन आइकॉन है, यानी कि स्टेटस बार में आपको कितना आइकॉन दिखना है। तो देखिए आप तीन आइकॉन दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे तीन मोस्ट रिसेंट रखे हुए हैं, इसको आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ऑल कर सकते हैं, नंबर सिर्फ रख सकते हैं या नन कर सकते हैं। और इसके बाद बैटरी परसेंटेज आपको देखना हो दोस्तों तो यहाँ से आप बैटरी परसेंटेज को इनेबल कर सकते हैं, 34% यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद नोटिफिकेशन हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाता है, जिसको आपको हमेशा ऑन रखना चाहिए ताकि जितना भी नोटिफिकेशन आपका आया हो सारा यहाँ पर आप देख सकें। इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है दोस्तों कि व्हाट्सएप से अगर कोई नोटिफिकेशन डिलीट हो जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप में डिलीटेड नोटिफिकेशन आपको नहीं दिखाता है, मैसेज डिलीटेड सिर्फ दिखाता है, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी मैसेज आएगा वो यहाँ से डिलीट नहीं होगा, यहाँ पर 100% वो सेव होगा ही होगा। बैक जाएंगे, अब नोटिफिकेशन में ही दोस्तों अगर आप स्नूज बटन चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको इनेबल कर लेंगे। और इसको चेक करना हो तो कैसे करेंगे दोस्तों, नोटिफिकेशन में चलेंगे, इस एरो पर टच करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिप्लाई मार्क एज रीड के अलावा यहाँ पर आपको एक स्नूज बटन देखने को मिल जाता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि होम स्क्रीन के सेटिंग्स को आप कितना कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली होम स्क्रीन पे आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे तो आप होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आ जाते हैं, जिसमें होम स्क्रीन लेआउट में आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐप ड्रॉअर आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मेरे में इनेबल्ड है। और आप ऐप ड्रॉअर नहीं चाहते हैं, सारा ऐप्स होम स्क्रीन पे चाहते हैं, तो आप होम स्क्रीन ओनली भी करके अप्लाई कर सकते हैं। बैक जाएंगे, फिर होम स्क्रीन में ग्रिड है वो कितना होगा दोस्तों, 5x5 ऐप्स का होगा, 4x5 ऐप्स का होगा, यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से ऐप स्क्रीन में भी कितना ग्रिड होगा यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं, 4x5, 4x6, 5x5, 5x6। और फोल्डर ग्रिड में भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि एक फोल्डर में ऐप कितना होगा, 3x4 होगा, 4x4 होगा, 5x4 होगा, इस तरह से। दोस्तों होम स्क्रीन से जैसे ही आप ऐप स्क्रीन पे जाते होंगे तो आप देखते होंगे यहाँ पे आपको डिस्कवर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बकवास है, आपका अननेसेसरी कोई भी ऐप इंस्टॉल कर देता है। जैसे देखिए ये बिल्कुल मौके की तलाश में है, जैसे ही आपका एक गलती से फिनिश हुआ और ये मोज टकाटक जितना भी ब्लोटवेयर से वो सारा इसमें इंस्टॉल करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप हमेशा चाहते हैं कि ये डिस्कवर दिखे ही ना, दिखेगा ना आप गलती से इंस्टॉल करेंगे, तो आप कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली आप होम स्क्रीन में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ डिस्कवर का ऑप्शन है, इसको आप यहाँ से डिसेबल कर देंगे। और जैसे ही आप डिसेबल कर देंगे होम स्क्रीन में जाएंगे तो आप देखेंगे डिस्कवर अब आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। चलिए वापस होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाते हैं, मगर इस बार दूसरे तरीके से जाते हैं। तो सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, होम स्क्रीन में जाएंगे, देखिए होम स्क्रीन की सेटिंग्स में आ जाते हैं। अब इसमें नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं हाइड ऐप्स का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा था अमेजन ऐप हम लोगों ने ओपन किया था, तो चलिए अमेजन को ही हाइड कर देते हैं। ये देखिए हाइड हो गया, डन कर देंगे। पहले होम स्क्रीन में जाएंगे क्योंकि होम स्क्रीन में भी अमेजन था, देखिए यहाँ से गायब हो जाता है। अब ऐप स्क्रीन में जाएंगे और ऐप स्क्रीन से भी आप देख सकते हैं कि अमेजन म्यूजिक तो है मगर अमेजन गायब हो गया है। ऑब्वियसली गायब हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप उसको होम स्क्रीन सेटिंग्स में हाइड कर चुके हैं। यहाँ ग्लोबल सर्च में अगर आप सर्च भी करेंगे अमेजन तो आप देखेंगे अमेजन आपको नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा क्योंकि जब हाइड है तो कैसे मिलेगा। तो आप इसको चाहते हैं वापस से लाना तो क्या करेंगे, अगेन आप होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, हाइड ऐप्स में जाएंगे और इसका जो माइनस है इसको कर देंगे, और देखिए ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर आ
जाता है, विलेन एप्स में कुछ भी नहीं है। डन कर देंगे, होम स्क्रीन में जाएंगे आप देखेंगे अमेजन यहाँ पे आ जाता है, इवन एप स्क्रीन में आप जाएंगे तो देखेंगे अमेजन यहाँ पे आ जाता है, यानी कि आप हाइड करके अनहाइड भी कर सकते हैं। ये सुविधा आपको इस मोबाइल में दिया गया है। अब दोस्तों आप अपने गैलेक्सी मोबाइल में ऊपर नीचे स्वाइप करते हैं तो देखते हैं ऐप स्क्रीन आ जाता है, और होम स्क्रीन में नीचे से ऊपर स्वाइप करते हैं तो भी ऐप स्क्रीन आ जाता है। ये क्या मजरा है, दोनों तरफ से ऐप स्क्रीन क्यों आता है? तो इसको अगर आप कस्टमाइज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, तो अगेन आप सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, आप देखेंगे स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, इसको आपको यहां से इनेबल कर देना है। और अब आप देखेंगे कि होम स्क्रीन में ऊपर से नीचे आप स्वाइप करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन पैनल खुलेगा, उसके बाद आपका जितना भी टॉगल्स है वो खुल जाता है, और नीचे से ऊपर स्वाइप करेंगे तो आपका ऐप स्क्रीन आ जाता है। तो आपका दोनों काम हो जाता है, नोटिफिकेशन भी खुल रहा है, ऐप स्क्रीन भी खुल रहा है, बल्ले बल्ले। अब दोस्तों आपका A53 फोन है, ए सीरीज का फोन है, प्रीमियम फोन है, तो ऑब्वियसली आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग लॉक स्क्रीन में जाएंगे और आप देखेंगे यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसको आपको 100% इनेबल कर लेना है। फर्दर कस्टमाइज करने के लिए आप इसके अंदर जाएंगे और आप देखेंगे टैप टू शो आपको मिल जाता है, शो ऑलवेज आ जाता है, शो एज स्केड्यूल्ड आ जाता है, या फिर शो फॉर न्यू नोटिफिकेशन एक नया ऑप्शन है, इस पे भी आप इसको इनेबल कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में क्लॉक स्टाइल कैसा होगा उसको आप यहां से कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तों। आप या तो नॉर्मल सेलेक्ट कर सकते हैं क्लॉक को, जो एनालॉग क्लॉक आपको यहां पे देखने को मिल जाता है, इसमें आपको डिजिटल का भी वर्जन देखने को मिलता है दोस्तों, या फिर इमेज क्लॉक कर सकते हैं, यानी कि आप स्टिकर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप एआर इमोजी क्लिक कर सकते हैं, बिटमोजी सेलेक्ट कर सकते हैं, गैलरी से कोई भी फोटो देकर आप यहां पर अपना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में क्लॉक बना सकते हैं, या फिर थीम्स के थ्रू कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है करने के लिए। अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप म्यूजिक का इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यहां से आप इसको इनेबल कर सकते हैं, ऑटो ब्राइटनेस चाहते हैं तो यहां से इनेबल कर सकते हैं। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप इतने अच्छे तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिखेगा कैसे दोस्तों, शो ऑलवेज कर देते हैं ताकि आपको तुरंत दिखे। तो आइए दोस्तों देखते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसमें कैसा काम करता है। तो ऑब्वियसली आपको फोन को लॉक करना होगा और ऑटोमेटिकली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ जाएगा, और देखिए यहां पर म्यूजिक भी आ जाता है जो आप प्ले कर रहे हैं। इसको अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो इसको आपको टच करना होगा, और आप देख सकते हैं म्यूजिक आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं, और यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों कैलेंडर भी बिल्कुल फुल डिटेल में आपको यहां पर दिखाता है, और म्यूजिक का भी आपको पूरा कंट्रोल यहां पर देखने को मिल जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं, आप यहां पर इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं, मीडिया आउटपुट के थ्रू आप यहां पर सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि कौन सा मीडिया आउटपुट होगा। आप चाहे तो अपना फोन सिलेक्ट कर सकते हैं, या जो भी ब्लूटूथ आपने कनेक्ट किया हुआ है आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम को भी आप यहां पर बढ़ा घटा सकते हैं, आप चाहे तो इस फोन को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहां भी वॉल्यूम आप बढ़ा घटा सकते हैं, या आप म्यूजिक शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और यहां एक कमाल का ऑप्शन और है दोस्तों, ऑब्वियसली आप लॉक स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो लॉक स्क्रीन आ जाएगा। लॉक स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं मीडिया आउटपुट जैसा हम लोग अभी चेंज कर रहे थे चेंज कर सकते हैं, और वापस से लॉक स्क्रीन में जाएंगे, यहां पर इस क्लॉक को टच करेंगे और आप देखेंगे आपको बहुत सारा विजेट देखने को मिल जाता है। तो ये कहां से आता है दोस्तों लॉक स्क्रीन पे, यहां आप कैलेंडर देख सकते हैं, यहां आप म्यूजिक का देख सकते हैं, वेदर का देख सकते हैं, अलार्म का देख सकते हैं, डिजिटल वेलबींग का देख सकते हैं, और एक मजेदार फीचर यहां पर आप देख सकते हैं, आप यहां अपने माइक्रोफोन से रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं बिना फोन के अंदर गए हुए, बस इस बटन को यूज करके। तो ये कस्टमाइजेशन आप कहां से कर सकते हैं दोस्तों, तो आपको सेटिंग्स में जाना होगा, पैटर्न देना होगा, या फिंगरप्रिंट भी दे सकते थे, और यहां पर आप देख सकते हैं सारा का सारा कस्टमाइज कर सकते हैं, रीऑर्डर करना हो तो रीऑर्डर कर सकते हैं, जो भी ऊपर नीचे करना हो आप यहां से कर सकते हैं, और सेम चीज आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां से आप इसको इनेबल कर देंगे। इनफैक्ट इसको आप फर्दर कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप किसी भी ऑप्शन में जा सकते हैं, और यहां पर इसके ट्रांसपेरेंसी को आप देखिए बढ़ा घटा सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी में भी कस्टमाइज करना चाहते हैं तो उसके अंदर जाके आप उसको फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए वापस से सेटिंग्स में जाकर लॉक स्क्रीन में जाते हैं, और इस बार देखते हैं कि लॉक स्क्रीन में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली लॉक स्क्रीन में भी आप क्लॉक स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ये फुल्ली कस्टमाइजेबल है, हालांकि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की तरह आपको इसमें पिक्चर देखने को नहीं मिलता है, मगर काफी कुछ यहां भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कलर हो गया, उसके बाद विजेट जो मैंने आपको भी दिखाया था विजेट आप यहां पर कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहां पर देखने को मिल जाता है, तो जो भी आप चाहें यहां पर दे सकते हैं, जैसे मैं टेक्स्ट देता हूं मैजिकल टेक गुरु। तो इसका फायदा क्या होगा दोस्तों मैं भी आपको दिखाता हूं। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं शॉर्टकट्स है। लॉक स्क्रीन में आप देखते हैं दोस्तों लेफ्ट में एक आइकन होता है, राइट में एक आइकन होता है, लेफ्ट में से कॉन्टैक्ट का आइकन है इसमें, राइट में कैमरा का आइकन है बाय डिफॉल्ट। कोई भी एक आइकन आप चेंज करना चाहिए, दोनों आप चेंज करना चाहें तो यहां पर चेंज कर सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल कस्टमाइजेबल है। कॉन्टैक्ट्स को आप चाहे तो कैलकुलेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बैक जाएंगे और यहां देख सकते हैं कैलकुलेटर और कैमरा का आपको शॉर्टकट देखने को मिल जाता है, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने चेंज किया था। तो देखते हैं ये कैसा काम करता है। तो ऑब्वियसली हम लोग डबल टैप करेंगे लॉक करने के लिए, डबल टैप करेंगे लॉक स्क्रीन लाने के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैजिकल टेक गुरु लिखा हुआ है जो कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन था। इसका फायदा तब है दोस्तों कि जब आपका मोबाइल खो जाए या नहीं मिल रहा हो तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कोई भी देख सकता है, जो भी डबल टैप करेगा आपके मोबाइल को। तो इससे क्या होगा कि वो जान सकेगा कि ये जो फोन है वो आपका है, यहाँ पर मोबाइल नंबर को देखकर या यहाँ पर जो भी नाम है, जैसे यहाँ मैजिकल टेक गुरु की जगह आप अपना नाम दे देंगे तो यहाँ वो आपका नाम देख सकता है, और इस तरह से आपका नाम या आपका कॉन्टैक्ट नंबर देखकर वो आपको कॉल करके आपका फोन को वापस कर सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शॉर्टकट की बात हो रही थी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट
था जिसको मैंने कैलकुलेटर कर दिया था, यहाँ पर कैमरा है। इन दोनों ऐप को ओपन करने का एक बहुत ही अच्छा आपको एनिमेशन देखने को मिलता है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं ये एनिमेशन है और ये कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर आप कैमरा करना चाहते हैं तो देखिए इस एनिमेशन के थ्रू यहाँ से आप कैमरा को इन्वोक कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद हम लोग नीचे बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मोर बायोमेट्रिक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको अनलॉक ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो आप चाहते हैं कि आपका फोन जो है थोड़ा और ज्यादा फास्ट काम करे, बैटरी कम यूज करे, तो इसको आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं ताकि जब भी अनलॉक हो तो आपको कोई ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को ना मिले। बैक जाएंगे और इसमें आपको फाइंड माई मोबाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जिसको आपको हमेशा से इनेबल करके रखना चाहिए ताकि आप इस URL में जाकर इसी सैमसंग अकाउंट से लॉग इन करें और आपका फोन अगर खो जाए या मिल नहीं रहा हो तो आप इसको बहुत आसानी से पा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप रिमोटली अनलॉक भी कर सकते हैं फोन को अग्री करके और सेंड लास्ट लोकेशन के भी ऑप्शन को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, यानी कि लास्ट लोकेशन आपका फोन का कहाँ था वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जब भी आप इसमें लॉग इन करेंगे। अब इसमें एक बहुत ही बढ़िया फीचर ऑफलाइन फाइंडिंग का भी हो गया है, आप अपने फोन को लोकेट कर सकते हैं इवन ये ऑफलाइन हो, बस आपको इस ऑप्शन को इनेबल करके रखना है। बैक जाएंगे, नीचे आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ सिक्योर फोल्डर का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप फिंगरप्रिंट दे सकते हैं या पैटर्न दे सकते हैं, जो भी आप देखकर इसके अंदर जा सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सिक्योर फोल्डर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सिक्योर फोल्डर के सेटिंग्स को आप पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप सिक्योर फोल्डर को ऐप स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो यहाँ से इसको इनेबल कर लीजिए। क्विक स्विच आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। बैक जाएंगे, अब सिक्योर फोल्डर कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों, तो ऑब्वियसली ऐप स्क्रीन में मिलेगा। ऐप स्क्रीन में आप एस में जाएंगे तो आप देखेंगे सिक्योर फोल्डर आपको मिल जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योर फोल्डर में भी इतने सारे ऐप्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि डिफरेंट ऐप्स है दोस्तों। नॉर्मल अमेजन आपका नॉर्मल में है, सिक्योर फोल्डर में दूसरा अमेजन ऐप का कॉपी है, जिसको आप वेरीफाई कैसे करेंगे दोस्तों, तो अमेजन ऐप यहाँ से ओपन कर लेंगे और आप देखेंगे एक बहुत ही डिफरेंट अमेजन ऐप खुलता है जिसमें इवन आपने साइन इन भी नहीं किया है अभी। और साइड की का आपको याद है मैंने सेटिंग चेंज किया था जो डबल क्लिक करने पे क्विक स्विच करता है, आइए देखते हैं वो काम करता है कि नहीं। डबल प्रेस करते हैं साइड की को और आप देख सकते हैं नॉर्मल अमेजन अब खुल जाता है। तो इस तरह से आप क्विक स्विच कर सकते हैं नॉर्मल अमेजन में और सिक्योर फोल्डर के अमेजन में। स्विच टू सिक्योर फोल्डर आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली आपको देखने को मिल जाता है। अब सिक्योर फोल्डर में ही अगर आप नीचे आएंगे दोस्तों आप देख सकते हैं प्राइवेट शेयर का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एग्री करना होगा, अलाउ करना होगा, अलाउ करना होगा और इस तरह से आप सेटअप कर सकते हैं प्राइवेट शेयर को, यानी कि अब आप कोई भी अपना डेटा चाहे फोटो हो वीडियो हो प्राइवेटली शेयर कर सकते हैं अपने पूरे कंट्रोल के साथ, जिसमें आप बता सकते हैं कितने दिनों तक ये फोटो वहां रहेगा, कब ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, सारा सारा ऑप्शन यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं जो कि बहुत बढ़िया फीचर है, आपको यूज करना ही चाहिए। बैक जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें जो सबसे कमाल का सेटिंग्स है वो है पिन विंडोज का, जिसको आपको इनेबल कर लेना है। तो ये काम कैसे करता है दोस्तों, जब भी आप अपना मोबाइल किसी को देते हैं तो आप चाहते हैं कि वो मोबाइल में जो ऐप है वही वो देखे और आपके मोबाइल में उस ऐप को छोड़कर कुछ भी ना देखे, तो आप पिन विंडोज करेंगे। कैसे करेंगे, एग्जांपल के लिए गैलरी ऐप में आप उसको देते हैं जिसमें वो गैलरी में सिर्फ आपका फोटो देख सके और कुछ भी ना देख सके, तो आप रिसेंट्स में जाएंगे, गैलरी ऐप के इस आइकॉन में जाएंगे और यहाँ पिन दिस ऐप कर देंगे और ओके कर देंगे और देखिए यहाँ पे ऐप पिन हो जाता है। अब ये गैलरी ऐप में तो ऊपर नीचे कर सकेगा दोस्तों, मगर जैसे ही ये कहीं और जाना चाहेगा गैलरी से यानी होम पे जाना चाहेगा, होम बटन दबाएगा तो देखिए ये बता देगा टू अनपिन दिस ऐप, यानी कि ये ऐप जो है वो पिन्ड है। अब जब फोन आपको वापस मिल जाता है तो ऑब्वियसली आप तो चाहेंगे होम में जाना रिसेंस में जाना, तो आप क्या करेंगे बैक बटन को और रिसेंस बटन को एक साथ आप टैप करके रखेंगे, आप देखेंगे ऐप अनपिन्ड का मैसेज आ जाता है, आपका फोन लॉक हो जाता है। ऑब्वियसली ये लॉक होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो तो कोई भी कर सकता है, मगर लॉक को अनलॉक सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको बायोमेट्रिक देना होगा या फिंगरप्रिंट देना होगा, जो भी देना होगा, और आप देख सकते हैं फेस रिकॉग्निशन से भी ये आपका ओपन हो जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें विजिबिलिटी एनहांसमेंट में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले मोड में आपको तीन तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, डिफॉल्ट, हाई कॉन्ट्रास्ट, लार्ज डिस्प्ले। तो जो भी आपको सूट करता हो आपको यहाँ से इनेबल कर लेना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं रिमूव एनिमेशन, यानी स्क्रीन का जो इफेक्ट है वो आप रिमूव कर सकते हैं ताकि आपका बैटरी लाइफ भी बढ़े और आपका विजिबिलिटी भी बेहतर हो जाए, इसको आपको यहां से इनेबल कर लेना है। इसके बाद रिसेंट ऐप में जाने में या फिर बहुत जगह आप देख सकते हैं कि आपको जो विजुअल इफेक्ट्स है जिसमें ट्रांसपेरेंसी एंड ब्लर है वो देखने को मिलता है, बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो अगर आप चाहते हैं कि वो सब ना दिखे तो आप यहां से इसको इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं इसमें आपको सुपर एमोलेड का पैनल देखने को मिल जाता है, ब्राइटनेस कितना ज्यादा है 1000 निट्स के आसपास है, तो कभी कभी आपको ब्राइटनेस बहुत ज्यादा लगेगा इंडोर में भी, इनफैक्ट आप ब्राइटनेस को लो ही क्यों ना रखे हुए हो, तो उस केस में आप एक्स्ट्रा डिम कर सकते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं जो ब्राइटनेस था वो और भी थोड़ा कम हो जाता है ताकि आपकी आंखों को सुकून मिलता है और इससे आपकी आंखों को स्ट्रेन बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। बैक जाएंगे, इसी के नीचे हियरिंग एनहांसमेंट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें लाइव कैप्शन के अलावा जो सबसे कमाल का फीचर है वो नीचे आपको नया दिया गया है। जब भी आप कोई म्यूजिक या ऑडियो सुनते हैं, ये कॉल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों, अगर आपका कोई भी कान जो है वो ज्यादा सेंसिटिव हो चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, तो अब आप ऑडियो को कस्टमाइज कर सकते हैं लेफ्ट और राइट में। इनकेस आपको लगता है कि आपका जो राइट ईयर है वो बहुत सेंसिटिव है तो आप राइट की जगह लेफ्ट में म्यूजिक को सुन सकते हैं, या फिर आप कहीं भी बैलेंस
चेंज कर सकते हैं लेफ्ट और राइट में, बीच में जो भी आपको सबसे ज्यादा सुटेबल लगता हो। बैक जाएंगे, इसके बाद आपको इंटरेक्शन एंड डेक्सटेरिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें जो सबसे कमाल का चीज है वो वॉइस एक्सेस है। यहाँ से आपको वॉइस एक्सेस को इनेबल कर लेना है, अलाउ कर देना है, और अगर आप चाहते हैं वॉइस एक्सेस का शॉर्टकट भी आपको मिले तो यहाँ से इसको इनेबल कर लेना है, अलाउ कर देना, और आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉइस एक्सेस का शॉर्टकट आपको देखने को मिल जाता है। इसको बस आपको टैप कर देना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में आपको वॉइस एक्सेस का आ जाता है टैप टू स्टार्ट, बस टैप कर देना और देखिए स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे कोई भी आप कमांड दे सकते हैं दोस्तों, जैसे गो बैक, और आप देख सकते हैं वेंट बैक यानी बैक चला जाता है। गो होम, देखिए होम स्क्रीन में आ जाता है। ओपन रिसेंट्स, और ये देखिए रिसेंट एप्स को ये खोल देता है। कॉल मैजिकल टेक गुरु, और देखिए ये मैजिकल टेक गुरु को कॉल भी कर देता है। तो वॉइस एक्सेस बहुत कमाल का काम करता है दोस्तों। और इंटरेक्शन एंड डेक्सटेरिटी में ही वॉइस एक्सेस के ऊपर आपको असिस्टेंट मेनू देखने को मिल जाता है, जिसको आपको बस इनेबल करके अलाउ कर देना, और देखिए यहाँ पर एक छोटा सा आपको मेनू देखने को मिल जाता है जो करता क्या है दोस्तों। तो जैसे ही आप इसको टच करेंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, जो कि आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिलता है, मगर ये उससे ज्यादा हैंडी है। जैसे बैक जाना हो बस यहाँ टच कर देंगे, वॉल्यूम पे करना हो तो यहाँ से आप वॉल्यूम बढ़ा घटा सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो बस टच कीजिए, देखिए स्क्रीनशॉट ले लेता है। नेक्स्ट पेज में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल को आप ओपन कर सकते हैं इसी से। पावर ऑफ मेनू अगर आपको लाना हो तो बस टच कीजिए, देखिए पावर ऑफ मेनू आ जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉकडाउन मोड भी एक आपको नया मोड देखने को मिलता है। अगर आप अपना पावर ऑफ मेनू लाएंगे तो आप देखेंगे पावर ऑफ, रीस्टार्ट और इमरजेंसी मोड ही आपको एक लाइन में देखने को मिलता है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों अगर आपको लॉकडाउन मोड देखने को मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो क्या आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहीं पे असिस्टेंट मेनू के नीचे वॉइस एक्सेस के नीचे आपको एंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देंगे रीड कॉलर नेम्स अलाउड, तो जब भी आपको कोई कॉल आएगा दोस्तों ये चिल्ला चिल्ला के आपको बताएगा कि इसका कॉल है, अगर आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। अगर फोन आपका दूर है तो एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि किसका फोन आ रहा है। बैक जाएंगे, एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैश नोटिफिकेशन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें दो तरह का फ्लैश नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। कैमरा यानी कि पीछे का जो फ्लैश है वो आपको ब्लिंक करके बताएगा जब भी कोई कॉल आएगा या मैसेज आएगा, और अगर आप चाहते हैं स्क्रीन भी एज ए फ्लैश नोटिफिकेशन आपका काम करे यानी स्क्रीन भी आपका ब्लिंक करके बताए तो इसको भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। कलर कौन सा होगा तो आप यहां से कलर चुन सकते हैं। प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कैसा दिखेगा, पीछे भी ये ब्लिंक कर रहा है। डन कर देंगे, और किसके लिए करना चाहते हैं, सारे ऐप के लिए करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर ऐप के लिए करना चाहते हैं। जैसे सिर्फ अमेज़न के लिए चाहते हैं तो अमेज़न के सामने आप देख सकते हैं कलर आ जाएगा। बैक जाएंगे तो अब ये सिर्फ अमेज़न में काम करेगा जो स्क्रीन फ्लैश का काम करेगा। और कैमरा फ्लैश किसके लिए करना चाहते हैं तो आप यहां भी ऑल ऐप कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर कोई भी ऐप कर सकते हैं या मल्टीपल ऐप कर सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग क्लॉक ऐप में जाएंगे, और यहां पर आप देख सकते हैं टाइमर में कितना अच्छा आपको एनिमेशन साउंड के साथ देखने को मिलता है। तो टाइमर हम लोग सेट कर लेंगे सपोज 50 सेकंड का, स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही इसको मिनिमाइज करेंगे तो आप देखेंगे ये छोटा सा पॉपअप टाइमर के रूप में आ जाता है, जिसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, और यहां से पॉज कर सकते हैं, यहां से मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और ये छोटा पॉपअप से और भी छोटा पॉपअप बन जाता है। आप देख सकते हैं टाइमर हालांकि आपको लगातार दिखाता रहेगा, इसको टच करेंगे तो अगेन ये पॉपअप टाइमर बन जाएगा, जहां से अगेन आप पॉज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो जैसे ही मैक्सिमाइज करेंगे आप देख सकते हैं आप इसको पॉज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारे ये टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो गैलेक्सी A53 पे बहुत ही बढ़िया लगा होगा। इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को जानकर ऑब्वियसली आप अपने फोन को बहुत अच्छे तरह से अब यूज कर पाएंगे। यहाँ पर मैं फिर से आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपके पास A13 है, A23 है, A33 है, A53 तो है ही, A73 है, इवन आपके पास A सीरीज का कोई भी और भी फोन हो, तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके स्मार्टफोन पे एप्लीकेबल है, अगर आपके स्मार्टफोन पे One UI 4.1 का आपको अपग्रेड मिल चुका है तो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको हमारे ये टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो कैसा लगा, ये आपके काम का था या नहीं था, और अगर काम का था तो आप जानते हैं कि वीडियो को आपको लाइक करके शेयर कर देना है तमाम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि नए नए वीडियो जैसे ही हम इस चैनल पर डालते हैं आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही है दोस्तों, इंस्टाग्राम पेज पे हमें फॉलो कर लीजिए, ट्विटर पे हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट मोबाइल से रिलेटेड आए तो आपको मिस ना हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स रेन फीचर्स के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।